साहब। श्री रामस्वामी जी, द वाइस चांसलर, दीगर तमाम दानिश्वर असातिज़ा जो जो मौजूद हैं, सबको आदाब, और आप सबको आदाब मेरा। जितने यहाँ के तालिब इल्म, यहाँ विद्यार्थी, स्टूडेंट्स यहाँ हैं और टीचर्स हैं, सबको मेरा आदाब। मैं बहुत मशहूर हूँ इस एजाज का, इस ऑनर का, इस इज्जत अफजाई का आपने मुझे दिया। मैं नब्ज तो नहीं देख सकता, डॉक्टर बेशक कहला लूंगा। लेकिन चांद की नब्ज मैंने देखी है और वो आप जानते हैं। चांद की नब्ज देखकर पता चला था कि उसकी सांस गर्म है, और जानता था कि वो दिन भर धूप में खेलता रहा है, इसलिए उसकी नब्ज कुछ तेज हो गई है। लेकिन जब चांद की नब्ज तेज हो तो मेरी सांस चढ़ जाती है, फूल जाती है, मेरी नब्ज तेज होने लगती है। जैसे आपने फरमाया कि कई चांद और हर एक चांद अपनी तरह, हर अपने आप में चांद, एक चांद को देखकर अगर मेरी नब्ज इतनी तेज हो जाती है, सांस फूल जाती है, तो आप ये बताइए यहाँ जितने चांद भरे हुए हैं, इन चेहरों को देखकर मेरा क्या हाल होगा। इतने सारे चांद देखकर तो सांस ही रुक जाए। मैं बहुत मशकूर हूँ। उसके अलावा ये कहना भी चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट को, फनकार को या क्रिएटिव आदमी को जो इस कोशिशों में रहता है, जो मैं करता रहा हूँ, इस तरह की शाबाशियों का और थपकियों की ज़रूरत पड़ती है उसे, ताकि उसे एश्योर करा दिया जाए, उसे रीएश्योर करा दिया जाए, बार बार ये कह दिया जाए कि हाँ तुम जिस राह से आ रहे थे वो सही रास्ता है, और जहाँ पर जा रहे हो तुम, ये रास्ता सही है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी फनकार को ये अवार्ड्स आपकी पहचान, आप मुझे पहचान दे रहे हैं, उसका सबूत है। ये मेरे कोई करामात, मेरी करामात नहीं, ये आपकी पहचान कश मशकूर हूँ, जिनकी वजह से कि आपने पहचाना तो मुझे नवाजा इस इज्जत के साथ। मैं आपके राडार पर हूँ, और आप सब उस रनवे की बिछी हुई रोशनियों की तरह हैं। अगर आपकी रोशनियाँ ना हो तो मैं लैंड नहीं कर सकता वहाँ। ये आप लोगों की वजह से है कि मैं वहाँ बखैर उतर रहा हूँ। लेकिन इस एश्योरेंस के साथ साथ मुझे मालूम है कि मैं आज भी, जैसे जिक्र कर रहा था, हर शख्स, हर फनकार, हर नस्ल जब आगे बढ़ती है तो वो अपने माजी को ज़रूर साथ ले लेती है, लेकिन वो सिर्फ पैरवी नहीं करते। आप जो यहाँ यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं या यहाँ पर शिक्षा और इल्म हासिल कर रहे हैं, आप सिर्फ पैरवी नहीं कर रहे हैं उनकी जो आपसे आगे गए हैं, बल्कि आप रहनुमाई भी कर रहे हैं वक्त की, और जाते हुए जो जिन्हें आप पैरवी जिनकी समझ रहे थे, आप उनको अपने माजी को साथ में लिए हुए हैं। मैं इस जनरेशन से, इन लोगों से, आप लड़कों से, नौजवानों से हमेशा दरख्वास्त यही करता हूँ कि भाई जब आगे चलो तो मेरा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि अब मुझे आपकी ज़रूरत है। आप
को शायद जड़ों की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है, लेकिन नई शाखें आप ही निकालेंगे, नई शाखें आप ही से निकलेंगी। और जब मौसम बदलेगा यहाँ का, हमारी तहजीब का, हमारे देश का, हमारे तमद्दुन का, रहन सहन का, तो वो मौसम आपसे बदलेगा। हम तो जड़ों से सिर्फ ताकत सूरज पकड़ के मुहैया कर सकते हैं, बस वही करते रहेंगे। मुझे मालूम था वो श्री जी आए थे मेरे साथ, तो मैं उनसे बातचीत करते हुए मुझे ख्याल हुआ कि मैं कहा मुझे मालूम है कि मेरी डायरी मेरे साथ रहती है, मैं ले लूँ, कुछ तो सुनाना पड़ेगा। लेकिन ये कि उससे ज़्यादा अहम ये लगता था कि मैं आपसे बातचीत कर लूँ, उसके बाद कंक्लूड करूँ शायरी पर। मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा, ताकि आप जो सवाल पूछें हो सकता है मुझे उनके कुछ जवाब इन शायरियों में, इन नज़मों में मिल जाए, तो मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा। मैं यहीं से बोलता रहूँगा, क्लासरूम में खड़ा हुआ इस वक्त तो मैं हूँ। इस वक्त डॉक्टर डिग्री दे दी आपको, अभी आप पढ़ाई है। अच्छा, मैं अच्छा। वैसे एक बात अर्ज कर दूं, एक ज़रा सी तरमीम, ताकि आयदा ऐसा न हो, जब कहें क्योंकि मैं किताबों में भी अपना नाम गुलजार लिखता हूँ, फिल्मों में भी अपना नाम गुलजार लिखता हूँ, तो ब्रैकेट में सब पूर्ण सिंह होगा, असली नाम गुलजार। क्योंकि आपने जो जो मेरी हस्ती है उसको तो ब्रैकेट में डाल दिया, और उससे एक अजनबी को आपने हटा दिया, वो हटा ही दीजिए और वो नाम जरा सी तरमीम कर दीजिए, करवा दीजिए, ताकि उससे नाम सिर्फ गुलजार उतना ही नाम है, उतना ही इस्तेमाल करता हूँ। और दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे बस उतना ही रहने दीजिए, उससे आगे पीछे बढ़ने पीछे फैलने की जगह नहीं है मेरे पास। Gulzar, and now good, that's the beginning. Doctor bol sakta hai, wo to aap hi se khatam mila hai, kyunki warna mera naam kuch is tarah se aajkal likh diya jata hai jo is waqt bracket ke bahar aa gaya hai ki jaise koi khazane ka pata lag gaya aap maine chupa rakha tha. ji bilkul ji irshad, आपने एग्री किया था कि लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, तो लेट अस हैव सम। यस संजय, मैं विवाद राय आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि मेरे अपने के चंदू और आज के चंदू में आपको कोई फर्क नजर आता है? ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि वक्त के साथ माहौल बदला है, सोच बदली है, और सबसे ज्यादा राजनीति बदली है। जी मैं एक बात अर्ज करूं, ऐसे ही जिक्र अगर आ जाए तो, यूँ है कि मैंने बहुत किताबें लिखी और बेशुमार किताबें लिखी। मैं अदब में था, किताब मेरा पैशन था, किताब से जब निकला हूँ इस रास्ते पर चलते चलते अदब के, इंडस्ट्री से टकराता हुआ, फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो ऐसे ही था जैसे रास्ते में मुझे मैखाना मिल गया, मैं वहाँ कुछ रुक गया और फिर चल निकला। लेकिन यूं लगता है कि जब भी बात होती है उनमें से किताबों से किसी का जिक्र नहीं करता कोई। एक शेर था, बात तुम पर ही खत्म होती है, रोमांटिक शेर है, बात तुम पर ही खत्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात करो। अब मुझे वो शेर में तरमीम करनी पड़ती है कि बात फिल्म पर ही ख़त्म होती है, हमसे चाहे कहीं की बात करो। क्योंकि आप, मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ा आसान है इस आर्ट को देख लेना कि फिल्म देखी और किताब मुकम्मल हो गई और हमने सवाल पूछ लिए। किताब नहीं पढ़ता कोई,
किताब पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, वरना फिल्म बड़ा आसान तरीका है कि सिर्फ फिल्मों ही की बात कर लें, और उसमें जहां राजनीति का सवाल है, राजनीति बदलेगी और बदली है, अवाम बदले हैं, अवाम बदलेंगे, और जो भी बढ़ता तरक्की करता हुआ एक शख्स है या एक देश है वो बदलेगा। वो अकेला एक शख्स नहीं, सिर्फ चंदू नहीं है, हमारा पूरा देश है, उसने प्रगति के रास्ते पर है और हम बदल रहे हैं। और जिस दिन ये राजनीति बदलनी बंद हो जाएगी, समझिए कि आप जमूद में आ गए, आप ठहराव पर आ गए हैं, आपके पास आगे कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये बदलाव चलता रहेगा और चलता रहना चाहिए, तभी तरक्की होगी वरना नहीं होगी। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं? मेरे दिमाग में जो बात थी वो दरअसल ये थी कि जो उस समय का जो समाज है, जो उस समय का जो चंदूर है, उसके सामने जो समस्याएं हैं वो एक अलग तरह की है, वो उनसे किस तरह से जूझता है, और आज का जो चंदूर है उसके सामने जो समस्याएं हैं उनका वो मुकाबला कर सकता है, और उसमें जो राजनीति है वो किस तरह से उस चंदूर को इस्तेमाल करती है। मैं आपके विचार इस पर जानता हूँ। इसकी मिसाल अपनी दो स्क्रिप्ट्स और दो फिल्मों से बड़ी आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुबाहसे की जगह तो नहीं कि हम इसे डिबेट बना लें, लेकिन मेरे अपने में वो हाकियाँ और साइकिल चेन लेकर लड़ते थे, ये सही है, और सियासतदान उन्हें इस्तेमाल करता था यूथ को, और इतना सफ़र करने के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि ये इस चंदू के सवाल अभी ज़िंदा हैं, तो तब माचिस आई थी जहां वही यूथ, वही यंग और वही सियासतदान हैं, लेकिन अब वो बंदूकों से बातें करते हैं, ये फ़र्क पड़ा है दोनों में। ठीक है, नमस्कार सर, आपने किताब संपादित की है शहरयार के ऊपर और बहुत तफसील से उनके बारे में लिखा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि शहरयार की शख्सियत से आप अपने आप को किस तरीके से जुड़ा महसूस करते हैं, और आज के जो लिखने वाले नए कवि हैं उनमें आपको क्या संभावनाएं अपनी आगे से पीढ़ी में क्या नजर आती है? शहरयार साहब, शहरयार मुझसे सीनियर थे, मुझसे सीनियर शायर थे, और हमने उनसे सीखा है, उनसे ये कहना सीखा है कि बात सिर्फ आपकी निजी नहीं है, जब आप अपनी निजी बात कर रहे हैं तो वो शेर के अंदर आने के बाद वो पूरी सोसाइटी की और सिस्टम का रिफ्लेक्शन बन जाता है। ये शहरयार से सीखा हमने, इसलिए मैं उन्हें अपना सीनियर मानता हूं और उनसे यही सीखा। सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। सर, मैं आपके लिए इतना कहना चाहूंगा कि दूसरा गुलजार पैदा नहीं हो सकता है, तो मैंने आपके जितने भी गीत सुने पढ़े तो उनमें आपने उर्दू वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल किया है, जबकि आज के समय में जितने भी नए गीतकार हैं जैसे प्रसून जोशी, तो इस चीज की कमी है कि उर्दू वर्ड्स कम यूज किए जाते हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत है कि अच्छे गीत लिखने के लिए उर्दू वर्ड्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में उर्दू की तालीम अलग से नहीं दी जाती है, तो क्या जरूरी है कि अच्छा गीतकार बनने के लिए उर्दू की नॉलेज होनी जरूरी है? जी, आपने दो जुमले इस बीच में कहे, उर्दू कम यूज की जाती है, उर्दू वर्ड्स कम यूज होते हैं, आपने कहे ये जुमले अभी दो, है ना, आप इसे उर्दू में कह सकते थे, आप वर्ड की जगह लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, यूज की जगह इस्तेमाल कर सकते थे। मेरे गीत आपकी जबान में लिखे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आप खुद एक जबान में बात नहीं कर रहे हैं, आपने अभी बीच में अंग्रेजी भी बोली, अंग्रेजी के लफ्ज भी इस्तेमाल किए, इसलिए आखिरी दो जुमले आपके बताए मैंने,
कि आप मुझसे ऐसे ही किसी ने पूछा था, बिल्कुल यही सवाल किया था कि आजकल आप अपने अपने लिरिक्स में इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल आप अपने लिरिक्स में इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं किस भाषा में यूज़ करूँ बताइए? आपके अपने सवाल में है वही जबान है जिसके लिए मैं गीत लिख रहा हूँ। सर, ये जो लोग कहते हैं कि आर्ट को दिखाने का जरिया है फिल्म, तो आपको और जब कभी असली फिल्में बनती हैं तो आप किस हद तक सहमत हैं कि ये फिल्में आर्ट दिखा रही हैं या फिर जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपना बिजनेस कर रहा है, इस पे आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैं एक दरख्वास्त चांसलर साहब से भी करने वाला हूँ, वाइस चांसलर साहब से भी दरख्वास्त करने वाला हूँ इसका जवाब देने के बाद कि फिल्में जो दिखा रही हैं वो आपको दिखा रही हैं, फिल्में आईना हैं, फिल्मों से समाज में सोसाइटी में कुछ नहीं आता, जो कुछ दिखा रही हैं वो आप ही का चेहरा है, सोसाइटी से और समाज से सब कुछ फिल्मों में जाता है। वो कहीं कहीं वॉल्यूम ज़रूर बढ़ा लेते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, और कोई चीज़ नहीं है कि जो फिल्मों से समाज में आई हो, आई अच्छाई या बुराई आई हो और समाज में ना हो, लेकिन समाज से, वरना हमारे समाज में जितने आप जो जिस तरह की वायलेंस आप समाज में देखते हैं, आप आग की बात करते हैं, हमारे यहाँ जो जो वायलेंस नज़र आ रही है या दिखाई जा रही है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता, फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, जब खून निकलता है घूंसा पड़ता है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, यहाँ जान निकल जाती है लेकिन कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता। हमारी सोसाइटी में भी या हमारे शहरों में हमारे इस वक्त भी वो सन्नाटा, जिस वक्त आपको गली से गुजरना मुमकिन नहीं है इसलिए कि यहाँ पे धमाका हुआ था, आप सोचिए उन दरवाज़ों को जो बंद कर दिए जाते हैं, जो खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं या जिनके कांच गिरे हैं, आप उस गली से गुजर नहीं सकते, ये फिल्मों में नहीं है। चाइल्ड अब्यूज़ जो दिखाया जा रहा है, जो आप रोज़ पढ़ते हैं अखबारों में, वो फिल्मों में नहीं आया है, लेकिन जिस रोज़ वो दिखा देंगे शर्मिंदगी का वो एहसास होगा कि आप फिल्म देखना छोड़ दें, वो फिल्मों में अभी तक नहीं है, और मुझे ये खौफ होता है कि कहीं वो भी आपको दिखा दिया गया, क्योंकि फिल्म मिरर है ऑल द टाइम, फिल्म अभी भी इंतखाब करती है, अब भी मुंतखब कर रही है उन चीज़ों को, उन एलिमेंट्स को कि जिनको अभी जिन्ना बढ़ाया जाए, लेकिन सोसाइटी इंतखाब भी नहीं करती है, तो इसलिए फिल्मों को इल्ज़ाम ना दीजिए, ये इल्ज़ाम अपने ऊपर आता है कि हम जो कर रहे हैं वही फिल्मों में नज़र आ रहा है। और दूसरी दरख्वास्त मेरी साहिबान से कि आइंदा मुझे डॉक्टरेट फिल्मों के बारे में दिया जाए, अदब के लिए नहीं। नमस्ते सर, आपके छोटे छोटे प्रशंसकों में एक हम भी हैं, तो आपसे एक सवाल था कि बदलते वक्त के साथ आज भी जब हम आपके कुछ गीत सुनते हैं जो कि रोमांटिक गीत होते हैं तो आज भी उनमें एक अलग सी मासूमियत का अनुभव होता है, जैसे कि शाम को चुपके से चोरी चोरी नंगे पांव चांद आए, एक टेक्नो म्यूजिक के पीछे भी एक इतनी मासूमियत चलाई है, तो इस मोहब्बत की इस मासूमियत की प्रेरणा आपको इस उम्र में भी कैसे मिलती है? मासूमियत, अगर मोहब्बत आपने की है आपने, अगर मोहब्बत की ही नहीं तो आपको क्या मालूम कि मासूमियत क्या हो। मोहब्बत अपने आप में मासूम है, और जिसने ईमानदारी से की है मोहब्बत या जिसने दिल से वाकई की है तो वो तो मासूमियत नजर आती है, उसे उसकी तर्जुमानी नहीं की जा सकती। आप ज़रा एक दफ़ा
नहीं ये कहूँगा, ये नहीं कह सकता कि करके देखिए मोहब्बत, क्योंकि वो मासूमियत आप खो चुके हैं। सर मेरा नाम है अब्बास सर, मैं अभी अभी उर्दू में लिखना शुरू करा। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ सर, तो अभी इधर PhD सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। मेरा पहला क्लास में तेलुगु में हुआ, उसके बाद इंग्लिश में हुआ। मेरा अंग्रेजी लोग उर्दू में बात करते, जब मैं तेलुगु में लिखना शुरू करता था, लिखने लिखने से क्या मालूम हुआ, मदर टंग में जो लिखने से ही बहुत पावरफुल लिख सकते थे, लेकिन वो लैंग्वेज है। पहली बार एक पोएम लिखा सर, आई वांट टू रिसाइट फॉर यू। मैं आप थोड़ा सा, एक दोस्त को कॉल कर रहा था बार बार, अब्बास भाई ये होता या नहीं, तो ऐसा लिखा, ए दोस्त परेशान मत हो, ए दोस्त परेशान मत हो, एक दिन ऐसा भी आएगा आप बोलो कि बारिश हो रही, न जाने किसे मालूम कब किसकी किस्मत खुल सकती है, न जाने किसे मालूम कब किसकी किस्मत खुल सकती है, आने वाला पल जाने वाला पल कहता है पलट के मत, मंजिलें हासिल करना कोई परिंदों का ही काम नहीं, आम आदमी भी कर सकता है। आप कैसा रहो, क्या कुछ क्रिटिकल कमेंट मेरे से कर चुके हैं? तो कोई जवाब था इसमें, सवाल तो नहीं समझ में, ये तो जवाब था, सवाल तो मुझे करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि एक मायूसी हुई कि आप मेरी 5 फिल्मों के नाम तो बता सकते हैं, कि आप मेरी 5 किताबों के नाम भी बता सकता है, कोई है कोई? फिल्मों के नाम तो सब बता दें, किसी को 5 किताबों के नाम भी मालूम है? नहीं, मैं मुझे मायूसी इस बात की है कि मैंने शुरू में भी कहा कि सिवाय फिल्मों के आप नहीं जानते कुछ भी, बिकॉज दैट इज द ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, कि जो देख लिया आपने, और वो भी सब कोई, देर इज नो चॉइस ऑफ फिल्म, वो मायूसी है। सर नज़्म सुनिए, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, आपने सुनी होगी पहले शायद, कहीं YouTube पे सुन ली हो किसी ने, यूं तो पढ़ी तो नहीं होगी, मैं जानता हूँ पढ़ी किसी ने नहीं, आज फिर सुन लीजिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती हैं। आपकी महीनों काफी है या बरसों के हैं उसे? किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, बहुत सी इस्तलाहें हैं जो मट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला, जबां पे जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे,
कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके मासूमियत के साथ, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा। सुबह से शाम हुई, सुबह से शाम हुई और हरण मुझको छलावे देता सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। सुबह से शाम हुई और हरण मुझको छलावे देता सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब तक। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे, वो भी अब उतना ही होशियार है कि जितना मैं हूं। एक झलक देखे जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचू तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है, वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है, पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि इस शोक हरण को नेजे की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है, दिल में एक खौफ सा बैठ रहा है कि बिलाखिर ये हरण ही मुझे सींगों पे उठाए हुए एक हार में दाखिल होगा। दिन मगर ढल भी चुका है। एक डायरी के कुछ सफ़े सुनाता हूं आपको मैं। न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है न पता है कोई, लिखा है उसमें न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है ना पता है उसमें, लिखा है उसमें हर एक करवट में याद करता हूं तुमको, लेकिन ये करवटें लेते रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को, तुम्हारी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए हैं। एक और सफ़े पे यूं लिखा है, कभी कभी रात की स्याही कुछ ऐसे जम सी जाती है चेहरे पे मेरे, लाख रगड़ों शहर के पानी से लाख धोऊं मगर वो कालक नहीं उतरती। मिलोगे जब तुम पता चलेगा मैं और भी काला हो गया हूं। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था। बंद कर दीजिए इसे, बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं, मुझे सुन लीजिए आप, फिर जाके YouTube पे डालेंगे वहां पे सुनेंगे। ये हाशिए में लिखा हुआ है, मैं धूप में जल के इतना काला नहीं हुआ था कि जितना इस रात में सुलग कर सिया हुआ हूं। महीन लफ्जों में एक जगह यूं लिखा है उसने, तुम्हें भी तो याद होगी वो रात सर्दियों की जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे, दिन किया था। ये पत्थरों का बिछोना हरगिज ना सख्त लगता जो तुम भी होती, तुम्हें बिछाता भी ओढ़ता भी। एक और सफ़े पे उसी रात का बयां है, तुम एक तकिए में गीले बालों की भर के खुशबू जो आज भेजो तो नींद आ जाए, सो ही जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसने भी डायरी लिखी है
वो शहर आया है गांव में छोड़कर किसी को, तलाश में काम ही के शायद, और वो कहता है मैं शहर की इस मशीन में फिट हूं जैसे ढिबरी, दैट स्मॉल लिटिल, मैं शहर की इस मशीन में फिट हूं जैसे ढिबरी, जरूरी है ये जरा सा पुर्जा अहम भी है क्योंकि रोज के रोज तेल देकर उसे जरा और कस के जाता है चीफ मेरा, वो रोज कसता है, रोज एक पेच और चढ़ता है जब नसों पर तो जी में आता है कि जहर खा लूं या भाग जाऊं। कुछ उखड़े उखड़े कटे हुए अजीब जुमले लिखे हैं आगे, कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुष्ठरी का हीरा, वो शहजादी कहानी में वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगुष्ठरी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई, कड़ों में सोना नहीं है उन पर सुनहरी सुनहरी पानी चढ़ा हुआ है, एक और जेवर का जिक्र भी है, वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है तुमसे सुच्चा कहा था मैंने, सुनार के पास जाके शर्मिंदगी सी होगी। अब फिर एक इमेज देता उससे बाद में, उसमें लिखा है ये वक्त का थान खुलता रहता है पल ब पल, ये वक्त का थान खुलता रहता है पल ब पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से पहनते हैं वक्त, लेकिन जो मैंने काटी थी थान से कमीज वो तंग हो रही है, कभी कभी इस पिघलते लोहे की गर्म भट्टी में काम करते ठिठरने लगता है ये बदन जैसे सख्त सर्दी में भुन रहा हो, बुखार रहता है कुछ दिनों से, मगर ये सत्रह आगे जो लिखा है ये सत्रह पढ़िए सुनिए, कहीं तवाजुन बिगड़ गया है या कोई सीमन उधड़ गई है, फरार हूं मैं कई दिनों से जो गुप अंधेरे की तीर जैसी सुरंग एक कान से दूसरे कान तक गई है, मैं उस नली में छुपा हुआ हूं, तुम आके तिनके से मुझको बाहर निकाल लेना, कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने अब कि इनको तो शहर में धुआं दे के मारा जाता है नालियों में। मैंने जानबूझ के खास तौर पर ये कुछ दो तीन नज़में जो बड़ी सख्त हैं और सीरियस हैं वो इसलिए ली थी कि इसमें आपके वो तमाम सवाल जो आपने किए हैं जो राजनीति के समाज के चंदू के उनके जवाब हैं इसमें, फिल्में देख के वो सारी बाजें नहीं होंगी, फिल्में देखकर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट महसूस करेंगे या एंटरटेनमेंट ही एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए आप बरी हो जाते हैं फिल्में देख के, किताब पढ़ी होती तो इनके जवाब भी मिलते और फिर आप इस तरह पूछते भी नहीं। मैं ध्यान दिलाना चाहता था उस तरफ कि मुताला फिल्मों से नहीं है, इल्म हासिल करना है तो कहीं ना कहीं किताबों की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा और इसलिए वो किताबें पढ़ना ज़रूरी है। फिल्मों से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इल्म मिल जाए और आप सारी नॉलेज जमा कर लें फिल्मों से और पढ़ने की फुर्सत ना हो, पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो नहीं होने वाला। ज़रूरी है कि आप उस मुताले को जारी रखें, वो पढ़ना लिखना भी जारी रखें, तभी मुमकिन है। सही, थैंक यू।